पंजाब में हुई गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है, जिसके बाद बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से एनकाउंटर की आशंका जताते हुए 30 मई को एनआईए कोर्ट में रुख किया और बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि फिलहाल उसकी कस्टडी पंजाब पुलिस या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को नहीं दी जाए। दूसरे राज्य की पुलिस को उनकी फिजिकल कस्टडी देने की जरूरत नहीं है, पुलिस उससे जेल में भी पूछताछ कर सकती है। अगर दूसरे राज्य की कोर्ट में उसे पेश करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। वहीं स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई की इस अर्जी पर फिलहाल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी किसी दूसरे राज्य का प्रोडक्शन वारंट जारी नहीं हुआ है, सिर्फ एनकाउंटर की आशंका के चलते पहले से कोर्ट ऐसा कोई भी आदेश नहीं दे सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई काला जठेरी, काला राणा, संपत नेहरा आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मकोका के तहत मामला दर्ज किया हुआ है, जो एक साल से चल रहा है। ये मामला एनआईए कोर्ट में है, इसलिए अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई गई है। अदालत ने 29 मई को इस एप्लीकेशन पर कहा कि अभी किसी अन्य राज्य के कोई भी प्रोडक्शन वारंट सामने नहीं आया है, इसलिए आदेश नहीं दिया जा सकता। वकील ने बताया कि हमने अदालत के एप्लीकेशन इसलिए लगाई है कि अगर पंजाब पुलिस मेरे क्लाइंट को पंजाब ले जाती है तो मकोका केस प्रभावित होगा। इसके अलावा किसी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते मेरे क्लाइंट के साथ कोई अनहोनी होने की भी आशंका है, इसलिए ये दरख्वास्त अदालत से की गई थी। आपको बता दें कि पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद की गई। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी के लिए SIT का गठन किया है। पंजाब पुलिस इस मामले से जुड़े हर एक एंगल की जांच कर रही है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। कनाडा में मौजूद बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गोल्डी बड़ा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी ने लिखा कि सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। उनकी जिम्मेदारी मैं गोल्डी बड़ा बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेते हैं। पोस्ट में आगे लिखा कि मूसेवाला ने हमारे भाई विक्की की हत्या की थी, उसी का हमने बदला लिया है। बिश्नोई दिल्ली के तिहार में जेल नंबर 8 में बंद है, वह हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। इस कोठरी से ही उसका काला साम्राज्य भी चलता है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम अपने गुर्गों के जरिए दिलवाता है। आलम यह है कि आज बिश्नोई का खौफ है, जेल में बंद होने के बाद भी वह अपने गुर्गे के जरिए कैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, यह बड़ा सवाल है। कहा यह भी जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल से रची गई थी। पंजाब के फिरोजपुर में 12 फरवरी 1993 को जन्मे बिश्नोई ने कॉलेज के दौरान ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। बिश्नोई के पिता पुलिस कांस्टेबल थे और अब एक बार फिर से बिश्नोई अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, वो भी कोर्ट के जरिए, और उसे डर है कि कहीं उसे यहाँ से जेल से बाहर ले जाया गया तो उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।